हैदराबाद में दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया। भीख मांगकर गुजारा करने वाला ये व्यक्ति अपनी पत्नी की लाश 60 किलोमीटर तक यूं ही ठेले पर ढोता रहा। दुर्भाग्यवश वो रास्ता भटक गया और अपने गंतव्य स्थान मेरठ जिले के बजाय विकाराबाद शहर पहुंच गया। कुष्ठ रोग के मरीज कविता और रामुलू दोनों ही हैदराबाद के लंगर हाउस में भीख मांगकर जैसे तैसे गुजारा करते थे। बीमारी के कारण 4 नवंबर को 45 वर्षीय कविता की लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन के पास मौत हो गई। रामुलू ने पत्नी का अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव में करने का फैसला लिया। रामुलू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वाहन किराए पर ले पाता, लिहाजा वो पैदल ही ठेले पर पत्नी का शव डालकर निकल पड़ा। मीडिया में खबर आने के बाद लोगों को एक गरीब की बदहाली का पता चला। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी समाचार।